कम बैक टू माई चैनल मैथ विद डीके सिंह। कल हमने 12 तक बनाया था, आज हमने 13 को सोल्व करेंगे। तो ये हमने सोल्व किया है, ये फाइंड है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 751 मल्टीप्लाई 35 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन बी है, ये आप लोग देख लीजिए। और ये क्वेश्चन सी का आंसर है, 14 का है, फाइंड है, इनको हम लोग डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन ए का है, ये डिवाइड है किया हुआ, इसको भी आप प्रोसेस से देख लीजिएगा। और ये बी है, ये सॉल्व किया हुआ है। आगे हम 15 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखना है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ। क्वेश्चन नंबर ये है 18 किसके किसके टेबल में आएगा, 1 2 3 6 9 18। क्वेश्चन नंबर बी है 30 किसके टेबल में आएगा, 1 2 3 5 6 10 15 30, ये 30 ये सब टेबल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। इसको फर्स्ट 5 को हमको मल्टीपल देखना है, स्वाभाविक है जिस जो अंक रहेगा उसी का टेबल को हमको देखना है। तो टेबल 4 का टेबल 5 टाइम ही देखना है, इसलिए फर्स्ट 5 पूछ रहा है। यदि फर्स्ट 6 पूछता तो 6 टाइम देखेंगे, फर्स्ट 7 पूछेगा तो 7 टाइम देखेंगे। 4 का टेबल देखना है, 4 8 12 16 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर बी है 10 भी 5 टाइम ही देखना है, 10 20 30 40 50। मुझे आशा है कि आपने ये क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ गया होगा, समझ गए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स यूट्यूब फैमिली।